आप सब लोग और कैसा गुजर रहा है आप लोगों का वीक। आई होप कि आप लोग लेक्चर्स को अच्छे से सुन रहे होंगे और जिन्होंने नहीं सुने हैं लेक्चर्स तो वो उस चीज़ को सुन लें ताकि जब आपका टेस्ट हो तो बहुत अच्छा एक कंपटीशन जो है वो क्लास में नज़र आए, बहुत अच्छे जो है वो सबके टेस्ट हों। अब प्रीवियस जितनी भी हमने क्लासेस उसमें हमने साइटोप्लाज्म के ऑर्गेनल्स को स्टार्ट किया था, तो आज जो हम ऑर्गेनल्स के बारे में जिनके बारे में हम स्टडी आउट करने जा रहे हैं वो है राइबोसोम्स। जी हाँ, राइबोसोम्स का नाम हम लोग प्रीवियस लेक्चर में पढ़कर आए हैं। राइबोसोम्स बेसिकली रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम की सरफेस पर मौजूद थे, ठीक है। राइबोसोम्स आर बेसिकली स्मॉल ग्रेन्यूल्स, छोटे छोटे दाने नुमा स्ट्रक्चर्स होते हैं। दे आर ग्रेन्यूल्स जो के जिनके अंदर क्या मौजूद होता है, आरएनए मौजूद होता है। और आरएनए की एब्रिविएशन क्या है, राइबो न्यूक्लिक एसिड। जैसे डीएनए की होती है डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड, तो ये है राइबो न्यूक्लिक एसिड। और इसके अंदर आपके पास ये आरएनए एक न्यूक्लिक एसिड है, एक न्यूक्लिक एसिड है, एक मॉलिक्यूल है जो कि आपको सिर्फ लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर ही दिखेगा। आरएनए वो मॉलिक्यूल है जो कि आपको राइबोसोम्स के अंदर मिलता है। और चूंकि यहाँ आरएनए मौजूद है और यहाँ पर चूंकि राइबोसोम्स मौजूद हैं तो इनका मेन फंक्शन क्या होगा, प्रोटीन की सिंथेसिस करना। जी हाँ, बेसिकली दे आर इन्वॉल्व इन प्रोटीन सिंथेसिस। सेकेंड जो आपके पास इनकी एक और चीज़ है वो ये कि या तो राइबोसोम साइटोप्लाज्म में स्कैटर्ड हुए होंगे, फैले हुए होंगे, या फिर ये आपके पास कहाँ पर होंगे, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम की सरफेस पर मौजूद होंगे। सो ये आपका एक और ऑर्गेनिल है। राइबोसोम्स के और भी स्ट्रक्चर्स जो हैं और भी पार्ट्स होते हैं कि राइबोसोम्स दो बेसिकली पार्ट्स के ऊपर कंसिस्ट करता है। एक होता है इसका स्मॉल पार्ट और एक होता है इसका लार्जर पार्ट जो कि डोम शेप्ड होता है, ठीक है। तो इसके दो पार्ट्स होते हैं और ये दो पार्ट्स मिलकर एक राइबोसोम का पार्ट बनाते हैं। अच्छा, नेक्स्ट जो आपके पास है दैट इज सेंट्रोसोम। और सेंट्रोसोम वो पार्ट है जो कि आपको एनिमल सेल्स के अंदर मिलेगा। अभी तक हमने जितने पार्ट्स पढ़े हैं वो एनिमल्स और प्लांट्स दोनों के अंदर मौजूद हैं सिवाय सेल वॉल और प्लास्टिड्स के, ये एनिमल्स के अंदर नहीं पाए जाते। अच्छा, दूसरी चीज़ आपके पास आती है कि जब हम सेंट्रोसोम की बात करते हैं या उसके स्ट्रक्चर की बात करते हैं तो आपके पास जो सेंट्रोसोम का जो स्ट्रक्चर है ये होता है स्फेरिकल। दे हैव स्फेरिकल स्ट्रक्चर, और स्फेरिकल यानी कि इस तरीके का। और स्फेरिकल स्ट्रक्चर इसके अंदर मौजूद होते हैं दो सिलेंड्रिकल स्ट्रक्चर, ठीक है, दो सिलेंड्रिकल स्ट्रक्चर्स मौजूद होते हैं। वो सिलेंड्रिकल स्ट्रक्चर्स क्या कहलाते हैं, सेंट्रियोल्स। सिलेंड्रिकल क्यों कहा जा रहा है, इनकी शेप सिलेंड्रिकल होती है। इन सिलेंड्रिकल स्ट्रक्चर्स को सेंट्रियोल्स का नाम दिया जाता है। तो याद रखिए बेटा कि एक सेंट्रोसोम दो सेंट्रियोल्स कंटेन करता है। सेंट्रियोल्स क्या है, ये सिलेंड्रिकल स्ट्रक्चर्स। सेंट्रोसोम खुद एक स्फेरिकल स्ट्रक्चर है जिसके अंदर दो सिलेंड्रिकल स्ट्रक्चर मौजूद है एंड दे आर कॉल्ड एज सेंट्रियोल्स। नाउ सेकेंड थिंग इज कि एक सेंट्रियोल किससे मिलकर बनाए, कंसिस्ट ऑफ सिलेंड्रिकल एरे, एरे मतलब सीक्वेंस ऑफ 9 रॉज ऑफ माइक्रोटिब्यूल, यानी माइक्रोटिब्यूल की 9 रॉज होती है। इस तरीके से वो 9 रॉज मिलकर एक सेंट्रियोल बनाती है। तो दो सेंट्रियोल में 18 रॉज होंगी किसकी, माइक्रोटिब्यूल्स की। व्हाट आर माइक्रोटिब्यूल्स, माइक्रोटिब्यूल्स आर बेसिकली प्रोटीन। ये प्रोटीन्स का एक नेटवर्क है जो कि मिलकर क्या बना रहे, सेंट्रियोल्स बना रहे। तो अगर ये आपके पास एक माइक्रोटिब्यूल है, इसी तरह से 9 माइक्रोटिब्यूल्स सिलेंड्रिकल फैशन में सिलेंड्रिकल तरतीब में अरेंज होते हैं और वो मिलकर क्या बनाते हैं, एक सेंट्रियोल बनाते हैं। तो याद रखिए, वन सेंट्रोसोम कंटेन्स 2 सेंट्रियोल एंड वन सेंट्रियोल कंसिस्ट ऑफ अ सिलेंड्रिकल एरे ऑफ 9 रॉज ऑफ माइक्रोटिब्यूल्स। इसका फंक्शन क्या है, ये आपको सिर्फ एनिमल सेल के अंदर मिलेगा, प्लांट सेल के अंदर नहीं मिलेगा। इसका फंक्शन ये है, बेसिकली दे हेल्प्स इन सेल डिवीजन, यानी जब सेल डिवाइड हो रहा होता है 1 से 2, 2 से 4, तो यहाँ पर सेल डिवीजन के अंदर रोल प्ले कर रहा होता है, लाइक माइटोसिस और मियोसिस जिसको हम नेक्स्ट क्लास में स्टडी करेंगे। और तो
उसमें क्या रोल प्ले कर रहा है उसमें आपको ज्यादा और अच्छे से क्लियरली समझ में आ जाएगा। सो मेन फंक्शन इसका क्या है कि इट हेल्प्स इन सेल डिवीजन। नेक्स्ट जो आपके पास ऑर्गेनेल है दैट इज वैक्यूल। हम लोगों ने इसके बारे में प्रीवियस क्लास में डिस्कस किया था जब मैं आपको न्यूक्लियस का पढ़ा रही थी कि न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है सेंटर में, बट प्लांट सेल के अंदर ये थोड़ा सा सेंटर से हट जाता है ड्यू टू अ लार्ज वैक्यूल। वैक्यूल है क्या? वैक्यूल प्लांट्स और एनिमल सेल दोनों में पाया जाता है। इसका स्ट्रक्चर क्या है? इसका स्ट्रक्चर ये है कि दे हैव फ्लूइड फिल्ड, दे आर फ्लूइड फिल्ड सैक्स। फ्लूइड फिल्ड सैक्स किसको कहते हैं? कि सैक्स बेसिकली मतलब है बैग लाइक स्ट्रक्चर, एक स्पेरिकल स्ट्रक्चर जिसके अंदर फ्लूइड मौजूद होता है। ठीक है, अगर मैं कहूँ कि ये एक बैग लाइक स्ट्रक्चर है और इसके अंदर जो फ्लूइड मौजूद होगा तो ये सैक क्या कहलाएगा? वैक्यूल। और इसके अंदर कौन सा फ्लूइड मौजूद होता है? बेसिकली ये सेल सैप को मेंटेन करता है, यानी सेल का सैप मतलब फ्लूइड। तो सेल का जो फ्लूइड है उसको ये मेंटेन करके रखता है कि उसमें ज़्यादा सॉल्यूट और ज़्यादा वाटर की मिकदार ना हो। कैसे मेंटेन करता है? एक प्रोसेस होता है जिसको कहा जाता है टर्जिडिटी। टर्जिडिटी के प्रोसेस के जरिए ये उसको मेंटेन करके रखता है प्लांट्स के अंदर। टर्जिडिटी क्या प्रोसेस है ये आप लोग आगे नेक्स्ट चैप्टर्स के अंदर पढ़ेंगे। सो दे आर बेसिकली फ्लूइड फिल्ड सैक्स, इनके अंदर फ्लूइड मौजूद होता है सेल का जिसको हम सेल सैप कहते हैं। और ये फ्लूइड फिल्ड सैक्स एक मेम्ब्रेन से कवर होते हैं जिसको हम क्या कहते हैं? टोनोप्लास्ट। सो द लेयर सराउंडेड द वैक्यूल इज कॉल्ड टोनोप्लास्ट। जब हम बात करते हैं प्लांट्स और एनिमल सेल की तो एनिमल सेल के अंदर वैक्यूल की तादाद बहुत ज़्यादा होती है, न्यूमरस होती है, लेकिन ये साइज में बहुत छोटे होते हैं और इसके अलावा ये टेम्पररी होते हैं, यानी बनते हैं और ख़त्म हो जाते हैं। वैक्यूल का एनिमल सेल के अंदर इतना ज़्यादा फंक्शन या इतना ज़्यादा मेजर रोल नहीं है जितना प्लांट सेल के अंदर है। प्लांट सेल के अंदर अगर हम बात करते हैं तो प्लांट सेल के अंदर इनकी तादाद एक या बहुत ही कम, दो तीन, इससे ज़्यादा नहीं होती, क्योंकि ये जो एक या दो इनके अंदर मौजूद है इसका साइज बहुत ज़्यादा बड़ा होता है। इसका साइज ज़्यादा बड़ा होने की वजह से ही प्लांट सेल का न्यूक्लियस सेंटर से थोड़ा सा हट जाता है और प्लांट सेल के अंदर ये परमानेंट होते हैं। सो इनका मेन फंक्शन सेल को सेल के फ्लूइड को मेंटेन रखना है। और इस तरीके से ये आपके पास क्या करते हैं, प्लांट सेल्स को एक तरीके से सपोर्ट भी प्रोवाइड कर रहे होते हैं।